नमस्कार, मैं तबरेज श्रीअरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है असली गहने के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं हमारे इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ असली गहने ईश्वर चंद और विद्यासागर की बचपन पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनतम और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है जिससे पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनराध्ययन किया जा सकता है वह है लेखन कार्य। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को ये सुनिश्चित करना होता है कि उन्होंने पाठ पूरी तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया है और उसकी व्याख्या अच्छी तरीके से बच्चों को करा दी है कि नहीं, ये शिक्षक सुनिश्चित कर लेते हैं। उसके बाद शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास एक तालिका उपस्थित होनी जरूरी है, तालिका की कई प्रतियाँ उपस्थित होनी जरूरी है जितने की बच्चे होते हैं, और वो प्रतियाँ वो उन्हें बच्चों को देना होता है, ये भी उन्हें सुनिश्चित करना होता है। और उस तालिका में उनको जो पाठ का नाम है उसका शीर्षक बच्चों को लिख कर देना होता है। जैसे कि ये पाठ है असली गहने, तो असली गहने नामक पाठ की वो एक तालिका बनाते हैं और उसकी कई प्रतियां जितने बच्चे होते हैं उतनी प्रतियां बनाते हैं और बच्चों को उनको देते हैं। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जैसे अनेक जो महान समाजसेवी हैं उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में आपको जो भी कहानी आपको ठीक लगे वो आप लिख कर लाइए, और कहानी का जो शीर्षक है वो आप अपने मन के अनुसार दे सकते हैं। और इसको लिखने के लिए आप अपने घर में जाइए और अपने अभिभावकों या अपने बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं इसको लिखने के लिए। फिर जब बच्चे जाते हैं तो वो अनेक समाजसेवियों की कहानियाँ अपनी अपनी तालिका में भर कर लाते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको अब ये कहानी, मतलब जो भी आप लिख कर लाए हैं कहानी, उसको आपको खड़े होना है और उसको विस्तार से बताना हुआ है। इस तरीके से शिक्षक बच्चों से लेखन कार्य करवाते हैं और पाठ का पुनराध्ययन भी करवाते हैं, जिससे कंसेप्ट को दीर्घकालीन तक बच्चों को याद रखने में मदद मिलती है और वो इसे भूलते नहीं हैं। तो ये थे नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी पाठ में आए आप परिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं। विद्यार्थी खुद की भाषा का निर्माण करते हैं और भाषा की बारीकियों को भी समझते हैं इसके माध्यम से। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कुछ टीचर को कौन कौन से विशेष ध्यान देने वाली बातें होती हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। शिक्षक को इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है इसकी अवधि का निर्धारण। इसके नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में किया जाना चाहिए, मतलब 30 बच्चे हैं तो उसके बीच में एक शिक्षक होना जरूरी है। दूसरा, शिक्षक आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य करवाते हैं, ये उनको सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षक को नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है शिक्षकों के लिए, वो इसको अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और प्रस्तुत पाठ असली गहने शिक्षक को निर्धारित माह पर ही इस नवाचार का क्रियान्वयन करवाना होगा, ये भी उन्हें ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट की स्वयं जांच करके कंसेप्ट को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑस्टिम से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं कंसेप्टों को समझने में मदद करता है। तो ये थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ। तो ये था हमारा इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह नवाचार अच्छा लगा होगा और आप अपने विद्यालय में इसे क्रियान्वित भी करेंगे, ये हम आपसे आशा करते हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे और भी रोचक वीडियो मिलते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।